Yeah.
महिमा भैंस है। क्या ने कहा लगे नगर गुजरात पिताजी के नाम राजा उग्रसेन, माता के नाम शक्ति मैना। आप ले लिए हाथी हथियार घोड़ा पिछड़ के भाजी, लेकिन बार बार
आज बीत रहा लिए प्राण की दोबारा लौट के नए एल्बम पापा नगर में कोए कि घर में नगर गुजरात में बूढ़ी माँ ने और छेल मर गेल की जिंदा है अभी ना देख रहा ची भगवान ना कोई समाध ला के अब रहा लिए कि जब पापा पुर नगर में ला थी मुंगिया नवरीन की साथ में माता लगे देला कि मुंगिया नवरीन की साथ में अगारी पछारी कभी अन्ना मरा रही है सारा सामान कि जितने काम भी अन्ना की घर डाल में करी है क्या अभी तक ना कोई शाद लगे ना कोई पलटन ना कोई माँ बहन की क्या ने देख रहा ची आ रहा है ये
माता पिता के यादगारी हमेशा बेटा और बेटी पे रहा करिया, और बेटी और बेटा के यादगारी माता और पिता पे रहा करिया। लेकिन हे महारानी जी, अपने ते मैहर से सासुर आबि गेलो है और आयल छी, आइ का लेल अपने चिंता में कल जाओ, चिंता से चतुराई घटे। जे माता पिता के यादगारी हमेशा बेटा और बेटी पे रहा करिया, और बेटी और बेटा के यादगारी माता और पिता पे रहा करिया। लेकिन हे महारानी जी, अपने ते मैहर से सासुर आबि गेलो है और आयल छी, आइ का लेल अपने चिंता में कल जाओ, चिंता से चतुराई घटे। अर्थात खबर ला कर महारानी जी के नजदीक जा रहा है। महारानी जी, आज 12 वर्ष के समय अपने के राज में बीत गया, कभी मोहिनी बाथरी की आवाज कान तक नहीं आयल छल, जिनका बादल से तीनों लोग चौदह भुवन में आवाज गया, और ब्रिज के पल्लव नीचा गिर गए, सुतल पक्षी जाग उठल। आय ला के महारानी जी अपने अगर आज्ञा दी तो पुनः 14 कोस राज के अंदर पता लगा कर अपने के नजदीक वापस आ जा। हाँ मंत्री साहब, रखने और उनके
के मुखार बिंद के द्वारा मोहने बाथरी के आवाज भवन तक भेजल गया। उनका से सारे वृतांत पूछला के बावजूद ओ जोगी कह रहा है, मंत्री जी हम जोगी दस दरबार की एक दरबार से ना बनी, एक मुट्ठी भीख मिली चली दस दरबार की। अगर जोगी दरबार के बीच में चंदन ब्रिज तक बैठा गए क्या बस बेचा दे जाए कि हमारा दरबार में कोई अवैध नहीं भूखल के क्या नहीं खाना प्यासर की पानी और बस्तर में एक बस्तर था कि दरबार से निकल दियो कि बहुत आराम से खुशी की बात ये बेचा लेते तो बेचा दे दियो। महारानी जी नवनी के माध्यम से अपने भीख भेजल जाओ, नवनी के माध्यम से। मंत्री साहब कि नवनी कहीं कि नवनी थी कहियो बिचा लेके नवनी दे दे कि एक चंदन ब्रिजदार अपना चंदन ब्रिजदार में एक जोगी है कि आने बहुत जल्दी में तू बिचा लेके जो और बिचा दे। ठीक है चिमलदार आज चिंता न करू कि अपना चंदन ब्रिजदार या जोगी बाबा सले हम बहुत सरकार के साथ बिचा दी के बात चल चिमलकाई। लेकिन शिक्षा दे के वास्ते के या जुला प्रयास समझ लग या तर्ज पर नहीं आ रहे कुछ लागत की ना बाबा ये बतावा है तो एक शरीर सी चलावी से दीक्षा दावे बोले मैं दीक्षा दा जो कि एक दरबार स्पीड न बरत कि चलत जो कि दूसरे दरबार की लेकिन बाबा क्या झोला फला क्या समझ ली बाबा देखा क्या तू तो घर के नौ इंचा ते द्वार या तोरा हाथ से हम भीग ने लग और की जा तो पर मलकन के बुलाविया और मलकन के कहे कि मुट्ठी भर भीग दे और या दूसरा दरबार जा कहीं में आसर कहीं में आसर अति ते जट्टा वाला यूं यूं दाढ़ी वाला आई का लटल मोच वाला है ये तो हमरा ऐसा भिक्षा लागे ना आज जो क्या मस कोमो ने सी मैं क्या ना सा दिखा लेते कहते कि आय हो बाबा हमने तुम सब तू कच्ची ले बा बेटा तू एक घर के नवरीन चीते तो अर्थात से भीख नहीं ले बाबा हमने की कारण से कि तुम लोग ना दिखा नहीं ले बा सुना कह दिया जल्दी कुछ ना बा आवे यही था जा Oh,
देखा तू घर के नवीन जी और आई कह छी झूठ बाय छी ते द्वारा तो हाथ से हम बिकने लगो। अच्छा ठीक है जाय से मन कर पास मन करे भेदे इन्हें छमर छमर किया करे छी की बात छी कहू तो मैं टाइम हम केकर एट खाए छी कया झूठ बुलकौता केकर एट खाए छी केकरो एट नहीं खाए छी तू महारानी की सराय छी दरबार में और केकर साथ झूठ बोले मिल कहीं केकरो साथ झूठ नहीं बोल ली तू की भले से कान हमरा हम न रह पाए जे हम न रह हेलो ना आप रे ना जना मिर्गी तिरगी छुबे छुले ओना किया करे छी के काल को तोरा की काल को से हमरा पहले कान है मलकर बात की छे खोल के आ कर जा बाबा जी भिक्षा के वास्ती के लो बाबा जी भिक्षा दे के वास्ती जुलो प्राइस तो मेरे लग एक से फिर दस करना द्वार में हम नहीं जान सुन पागल ले जो अनि सुन कह छे तोरा एक से फायदा के कल के छे होना आदमी से कहता वह बाबा जी कल के मिलता है जेकरा तू भिक्षा लो के गेली दे ले आर कहे तोरा से भिक्षा नहीं लेबो तोरा मलका के भी दे कौन तो मलका है जाम छवे के दाद वर्त के केला से भिक दे पास्ती ऐ संसार में जहिया से दरबार में महाराज जी बहुत आए कि हम कभी नहीं भिक्षा देंगे जब तू ही भिक्षा दली तू देली लेकिन हम तोरा मलका किसरा माने छी बहुत अपन माने छी लेकिन हम कौन बाबा जी छी जे तोरा हाथ से बेचा न लिए और तू बोली बोल के चीव अगर तोरा हाथ में कुछ नहीं छेलो तकनी मलता हां शिक्षा दे खा दे के जा थाल जा सलात में और कुछ न चल ना थारी छेलो ए दरबार में जे मोटा के ए तू भागले जब तोरा हाथ में थारी छेलो तो हाथ थारी उल्टा के मैं तेज हो दी के दरबार से निकल देती अरे सुन जैना वो कहे छे केन केन दाढ़ी वाला केन केन मोच वाला ये दरबार में तू बिछा देली अभी की कह रही हम में तो रात से बिछा बस जल्दी जो अगर दरबार में ही बिछा नहीं ले एक हाथ में खाना दूसरा हाथ में बरेन बहुत जल्दी से निकाल दे दरबार से जो भी चल दे रहे थे अबे जल्दी से चाहिए नवीनिया अबे यह होता है
आ बड़े से बाहर ठीक राज सीमा से लग जाए रे नौड़ी एक हाथ में खर्रा और एक हाथ में बढ़नी लाका तू कहां जा रहा है अरे कहता है सब पूछ चाहा हां चोर रे ए बाबा जाक शादी के दूर करे ल अरे नौड़ी आओ जोगी पर तू एक हाथ में खर्रा और एक हाथ में बढ़नी लाका बिना कसूर बिना अपराध केला सा तू आई खर्रा और बढ़नी लाका जोगी के मारा के लिए मौजूद भ रहा है नौड़ी हाँ। पर पुरुष पर औरत के हाथ उठावे ले नहीं कहिया आज तू अगर बाबा के बोली तोरा गोली के समान लागल नौड़ी तो सबसे पहले तू कारण बता ओ जोगी तोरा कहलक आठ खाइया झूठ बोलिया ओ ध्रुव सत्य बात छी नौड़ी तू आठ खा छ झूठ बोली छ अरे कल्ला छिया पर झूठ बोलिया बकौता जय दिन तू आंच ने खेबे झूठ ने बोलबे ओ दिन सूरज उदय नहीं भव सके अपने नौड़ी के हाथ से भीखने लाका उल्टा सीधा शब्द सुनेला के बावजूद अपने के बोली नौड़ी के गोली के समान लागल है अपने ही बोला जाओ अपने कहा रसे छी कहा बसे छी की लागा दहियाला की कारण से नौड़ी के हाथ से भीखने लेलो सही और सत्य द प्रमाण देखा क्या घर के नौरी चीऊ और उनका हाथ से हम भीख ने लाब और आइट और कूट खाया और कोना खाया सो हम बतावे ची सब के किया पिया के तगरवाद उखाया सही बात ची और बच्चे अपना मलकान कहे या कहे के ले अगर झूठ बोलावे या तो झूठ भी बोले या ते द्वार ये नवीन का हाथ से हम भीख ने लाब और अपने कहा रसे ची कहा बसे ची की लागत है या नाम पूरा परिचय अपने दे जाओ देखा क्या हमारे घर में अगर गुजरात और या पिता के नाम राजा वृषैन मां के नाम माता मैना बहन के नाम बहन बीरमा बाबा महाराज अपने के बानी अपने के वचन सत्य सुनवाग हेतु असत्य के समान लग रहा है राजा उग्रसेन के चौथा पण के अवस्था में एक पुत्र पैदा लेला ओ जोगी बन के संसार में रमत कदापि विश्वास शब्द नहीं बुझा रहा ला देखा यह हमार घर देखा गुजरात क्या और हमार वो बहन जी जल्दी से मंगावे के हम अपन बहन के हाथ से मुट्ठी भर बिकला और दूसरा दरबार जा ठीक है बाबा महाराज अगर अपने के रला दे अपने के महारानी जी हमार सहोदर बहन जी तो चाहे एक हो या दस हजार सहोदर सहोदर के पहचान अवश्य भ सकैया अपने जय इजाजत से जय आज्ञा ल कहला बहन के हाथ से भीख लेवा के वास्ते अपने रुकल जाओ महारानी जी से आदेश कर रहा हूं यार महारानी जी ओ जोगी से सारा कहानी पूछला के बावजूद ओ जोगी के राज मंत्री जी हमर घर नगर गुजरात पिताजी के नाम राजा उग्रसेन और सारे वृतांत अपने के नैहर के बता रहा है ओ जोगी अपने के सहोदर भाई छी उनका नाम जोगी गोपी छी गोपी चंद है आई लाख के महारानी जी ओ जोगी के नजदीक एक बेर अपने गिर जाओ अपने भाई से मुलाकात कर लो ए मंत्री साहब क्या हमरा पत्रा कह के नहीं सुनो मऊनिया नवीन जाए छे जा के की खबर ल के आवे छे ठीक छे हम जेबे मुलाकात करे के ले ले तब के हम जेबे करबे ए मुनिया में सुन जल्दी तो जल्दी अभी छा दा के दे दो चल जते जो ठीक है जोगी तो से कल कहबे के के लेकिन जो मरी स्वाद कर रहे हम जो बहुत स्वागत के साथ भेज दे बहुत जल्दी भी चल जते ए नगर से ओके सुन कल बहुत जल्द चल चल तेरे पास जय मैसा क्या जगिक से मैं देखी थी जिना बलकल से या मुरा और ना कारेज और सेम टू है ना जाएज क्या जोगी की पहली समझावे थी अगर समझा नहीं माना
ता देखा जाए बाबा। हाँ ये बतावा क्या तोरा विनती कर कैची के दरबार तू चल जा आज तू समझे कि हमें वैश्वर्य घर में गाल आर माँ केरे ची माँ की अगर तू भलाई चाहल जा हमारा दरबार चल जा। ना ना देखा अगर तू अपना दरबार से हमारा या तू सर दरबार भेजे जा तो जा तू मेलकन के कयक की मुट्ठी भर दी जा या लाभ और दूसरा दरबार हम चल जाओ। ये बाबाजी बड़ा हेर से जाए बाबाजी स्वागत नहीं करवाए या तब तक की बाबाजी ये डोरी छिड़कने बागत सत्रिय बाबाजी की अब मारते ये मारते चकिया आगे चामा लिया मिलता है।
जी का इजोगी लगा दला इजोगी के रूप धारण करके एक ढोंग रचने कभी नहीं भा सके अमर भाग
या तो सोहदर पहुंची और हम सोहदर छोटका भाई किया तो आओ भैये के यही याद वो दृश्य क्या बहिनी आप चाला माये Oh, boy, you can't
धर्म मत मांग अभी घोड़ा तारा